दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लिमिट है वो 26,000 बढ़ चुकी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट किस प्रकार से एनहेंसमेंट की जाती है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो कैसे बढ़ाई जाती है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितने दिन में हमारी लिमिट है वो अपग्रेड हो जाएगी, हमारा कार्ड कितना पुराना होना चाहिए, यानी कि सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो ये कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का, आपका कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका एक साल पुराना नहीं है तो आप क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज होती है और कितनी होती है। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल ऐप पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीओबी कार्ड ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसे हम जैसे ओपन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कार्ड है और यहाँ पर जो पहले की लिमिट है वो है 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये हमारी पहले की लिमिट है। तो अब लिमिट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर लिमिट एनहेंसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कार्ड नंबर भी आप देख सकते हैं कि 8920 वाला है, जिसकी 20,000 रुपीज़ जिसकी लिमिट अभी प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, हरी यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ लिमिट एनहेंसमेंट, गेट योर क्रेडिट लिमिट फॉर फ्यू सिंपल स्टेप, यानी आसानी से कुछ स्टेप में हम हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़ा देंगे। लेकिन कितनी बढ़ेगी, क्या किस पर डिपेंड करेगा, वो भी आपको मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपग्रेड करेंगे, उसके बाद में आप देख सकते हैं हमें जो लिमिट है वो दी गई है 26,000 रुपीज़ की, यानी 20,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपीज़ हमारी यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद में यहाँ से हम चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई एग्री करेंगे। जैसे एग्री करेंगे यहाँ पर एक OTP आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ से हम वो OTP फिल कर लेंगे। तो चलिए हमारा OTP आ चुका है, यहाँ से हम OTP फिल करके इस OTP को वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है योर क्रेडिट लिमिट इज़ अपग्रेडेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारी पहले से 20,000 की लिमिट थी वो बढ़कर अब 26,000 की हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अब 26,000 हमारी लिमिट है वो बता रहा है और सब पहले यहाँ पर 20,000 रुपीज़ थी। तो इस प्रकार से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपग्रेड करा सकते हैं। अब वापस चल के देखते हैं कि क्या हमारी लिमिट और भी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे हमने लिमिट एनहेंसमेंट क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डियर कस्टमर यू हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर लिमिट अपग्रेड ऑफर थैंक यू, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो बढ़ चुकी है। अब वापस कब बढ़ेगी, तो ये तो एक साल के बाद में ही बढ़ेगी क्योंकि ऑफर के हिसाब से बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपग्रेड है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो और आपको लिखा आता है कि नो ऑफर फॉर यू, तो अब आप इस केस में आप क्या करेंगे। देखिए, आपका अगर एक साल क्रेडिट जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है पुराना है और आपका जो सिविल स्कोर है वो 728 यानी 728 से ज़्यादा है, तो आपका एक और तरीका है जहाँ से भी आप इसकी लिमिट है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। जी हाँ आप जो सोच रहे हैं वो वाला नहीं है, वेब ब्राउजर वाला, वो वहाँ पर और इस पर सेम ही होता है। इसके लिए अब आपको करना होगा एक मेल BOB में, और BOB की मेल ID कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं crm@bobfinancial.com। तो इस पर आपको लिखना होगा कि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज करिए, और साथ ही में अगर वहाँ से अगर आपको ऑफर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप ITR सैलरी स्लिप या आपका बैंक स्टेटमेंट है वो भी मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं मेल से कैसे लिमिट इंक्रीज होगी, कितने परसेंट इंक्रीज होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से मैंने डायरेक्ट ऐप से लिमिट इंक्रीज करना आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को ही खत्म करना है, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।